फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 11 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 11A अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 11B और 11A का इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है, क्वेश्चन का जो वीडियो है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप वो देखिए और उसके बाद आप इसके एक्सरसाइज पे आइए, क्योंकि उसी का बेसिक यहाँ पे आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए देखो, आपको मैंने आपको बताया था कि कोई जीपी कब होगी, जब उसका कॉमन रेशियो क्या हो, सेम हो। तो एक जीपी ले लेता हूं मैं, A1, A2, A3 ऐसे करके एक जीपी आपकी। ठीक है, अब इस जीपी का अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस फर्स्ट टर्म को A से, सेकंड टर्म को AR से, और थर्ड टर्म को AR² से, और ये कौन सी आ जाएगी, फोर्थ टर्म। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी A(R⁻¹). ये जीपी की nth टर्म होती है, इसी को tn भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, l यानी लास्ट टर्म, और ये आपकी जीपी की फर्स्ट टर्म। जो कॉमन रेशियो है ये, इसको इससे डिवाइड कर दो तो AR/A, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो तो वैल्यू क्या जाएगी, r। तो किसी भी जीपी का जो कॉमन रेशियो वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब तो वो सिक्वेंस आपकी किस में हो जाएगी, जीपी में हो जाएगी। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। अब देखो अपन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन आपको सारा करवाया हुआ है, आप एक्सरसाइज को देखिए 11.1 के। अपन स्टार्ट करते हैं 11.11 आपकी है बी। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर देखो क्या गिवन है, विच टर्म ऑफ जीपी, यानी इसमें कौन सी टर्म जीपी की, ये कौन सी टर्म है आपकी। देखो सिक्वेंस गिवन है -10.5/√3 -5/6 डेज इज, यानी ये बता दिए कि इस जीपी के अंदर ये वाली टर्म कौन सी है। तो इसी को मान लेता हूं मैं, जो tn है आपकी लास्ट टर्म है, ये वाली वैल्यू, इसी को मैं क्या मान लू, an मान सकते हो, tn मान सकते हैं, और इसी की वैल्यू आपकी कितनी है, ये वाली वैल्यू है। आपको बतानी है कि ये वाली टर्म कौन सी है। ठीक है, अब मैं an का फॉर्मूला या tn का फॉर्मूला, ठीक है ना, एक ही बात है मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, तो मैं an से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं, A(R⁻¹). इसमें n आपको पता नहीं, n आपको निकालनी है, क्यों, ये आपको पूछा है कि ये वाली टर्म कौन सी है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले a की वैल्यू, a यानी फर्स्ट टर्म -10, r यानी कॉमन डिफरेंस, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 5/√3/-10 यही होगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, R=, इसी के आगे लिख देता हूं, देखो लिख सकते हैं 1/5/√3, और ये जो माइनस है इसको मैं आगे यहां पे लगा देता हूं, और ये आपका 10, इससे इसको कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू आ जाएगी -1/√3, ये R की वैल्यू आ गई। आपको पूछा ये वाली टर्म, तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, an की वैल्यू यहां पे पुट लिखी हुई है मेरी, तो देखो इसी फॉर्मूले के अंदर में सारी वैल्यू पुट करूं तो an की वैल्यू कितनी है, -5/72 a की वैल्यू कितनी है, -10 r की वैल्यू कितनी है, r ये रहा -1/√3, इस पूरे की पावर कितनी, n, इस पूरे की पावर कितनी है, n। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, समझ गए होंगे। अब मैं इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट कर सकता हूं, इसी को लिख सकता हूं मैं, और इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये 2, तो वैल्यू आ जाएगी 1/5, कितना आएगा 5, 1/72 जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 × −5/√−1/√3 n। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए ध्यान से, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/144 −1/√3 n। इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, यदि मैं इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करूं तो 144 का प्राइम फैक्टर कन्वर्ट करें तो ऐसे ही तो करेंगे, कितना आ जाएगा 72, इसको करें तो ये आ जाएगा 36, इसको करें तो ये आ जाएगा 18, और इसको करें तो ये 9, फिर इसको करें
ये आ जाएगा। इसको मैं प्राइम फैक्टर में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान से देखिए ये जो वैल्यू है टू रूट थ्री के फॉर्म में, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन, देखो ध्यान से, टू इंटू ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से, इसी यहीं पे लिख देता हूं मैं, टू, कितने टू है यहाँ पे, फोर है, तो टू की पावर फोर, और ये वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट थ्री का पावर फोर, क्यों, क्योंकि थ्री को मैं लिख सकता हूं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, और इस थ्री को लिख सकता हूं मैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये लिख सकते हैं, यानी इस पूरी क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूं टू की पावर फोर इंटू रूट थ्री की पावर फोर इक्वल टू माइनस वन अपॉन में टू की पावर एन की पावर ये थ्री, रूट थ्री की पावर एन। अब पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई होके दोनों के ऊपर क्या आ जाएगी, पावर, इसी को भी मैं फोर लिख सकता हूं, और ये वाली वैल्यू वन अपॉन में टू रूट थ्री की पावर एन लिख सकते हैं। वन की पावर फोर कितना, वन ही होगा, तो वन, देखो दोनों की पावर क्या सेम, तो वन अपॉन में टू रूट थ्री, और इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी, फोर इक्वल टू माइनस वन अपॉन में टू रूट थ्री की पावर एन। अब देखो यहां पे माइनस है और यहां पे क्या नहीं है, माइनस नहीं है, तो अब मैं यहां पे यदि माइनस लगा दूं तो भी आपका ये क्वांटिटी आएगा, क्यों, इस माइनस का स्क्वायर, माइनस की पावर फोर है, तो माइनस की पावर जब भी इवन होती है तो उसकी वैल्यू आपकी क्या आती है, पॉजिटिव आती है, इसको इस, यानी इक्वल बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। अब इन दोनों का बेस सेम है, क्योंकि अपन जानते हैं कि ए की पावर एम इक्वल टू बी की पावर एम हो, जब बेस पावर सेम हो तो बेस अपने आप इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, या फिर आप, अच्छा पावर वाला है ना, तो इसमें ऐसे कर दीजिए आप, बी की पावर ए की पावर, बेस सेम है तो ए की पावर एन, जब बेस सेम होते हैं तो पावर अपने आप इक्वल, तो एम इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो इन दोनों का बेस सेम है तो फोर किसकी इक्वल, यानी पावर किसकी इक्वल हो जाएगी, ये दोनों आपस में इक्वल, तो एन की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, फोर आ जाएगी। तो ये आपको टर्म कौन सी बतानी, यानी ये टर्म बतानी थी, तो ये टर्म कौन सी आपकी, ए फोर्थ वाली टर्म है, तो लिख देना आप कि जो ये वैल्यू है ये कौन सी आपकी, ए फोर्थ वाली टर्म, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, ऐसे आप नोट डाउन कर लेना। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, क्वेश्चन की थीम को समझना पहले, क्या गिवन है, द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, यानी जीपी की फिफ्थ टर्म, फिफ्थ यानी ए फाइव, ये कितना गिवन है, 81। फिर आपको गिवन है कि इट्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म यानी 82, ये कितना है, 24, सेकेंड टर्म इज 24, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आती कब है, जब उस सीक्वेंस की, यानी जीपी कब आती है, जब उस जीपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आ जाए तो अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूं, इसकी कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म, तो ये निकाल लेते हैं, देखो ध्यान से, इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, इस ए फाइव को ए इंटू आर की पावर फोर इक्वल टू 81, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 82, यानी ए आर इक्वल टू 24, ये लिख सकते हैं। अब मैं डिवाइड करूं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड करें तो ये तो आएगा ए आर की पावर 4 अपॉन ए आर इक्वल टू 81 अपॉन में 24, इसकी ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, ये पावर 1 ऊपर जाएगी, तो आर की पावर 4 इंटू आर की पावर माइनस 1 इक्वल टू, या फिर आप डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हो, ऊपर पावर 4 है नीचे एक पावर है तो कैंसिल आउट करोगे तो आर की पावर कितनी, 3 रह जाएगी, और इसी को मैं लिख सकता हूं 81 को क्या लिख सकते हैं अपन, पहले तो कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट 3 से कट रहा है कितना 27, इसको मैं कट 27 और ये कितना 8, और 27 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 3 और 8 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर देना, ठीक है ना, एक ही बात है, चलो स्क्वायर रूट कर देता हूं, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 27 अपॉन में 8, इसी को मैं लिख सकता हूं आर इक्वल टू 27 अपॉन 8 का स्क्वायर क्यूब, क्यूब रूट, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसी की जो वैल्यू आएगी 27 का क्यूब रूट कितना 3,
और 8 का क्यूब रूट कितना 2। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर r की पावर 3 इक्वल टू 27 को क्या लिख सकता हूं 3 और इसको 2, इसकी पावर कितनी 3। जब पावर सेम होती है तो बेस अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन से आप कर सकते हो। इस r की वैल्यू में यहां पे पुट कर दूं तो लिख दीजिए पुट r इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन कौन से में 2 में, तो ar इक्वल टू 24। ar कितना आपका 24, तो 24 में वैल्यू पुट करूं तो देखो a इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3/2 इक्वल टू कितना है 24, तो a इक्वल टू 24 इंटू 2 अपॉन में 3। ये लिख सकते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, ये 3 अपॉन में, इसी से मैं कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू कितनी आ गई 8, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 16। अब आपको जीपी फाइंड आउट करनी थी तो फर्स्ट टर्म आपकी 16 आ गई, सेकेंड टर्म आपकी यही है कितनी 24, थर्ड टर्म में निकालू तो यही तो आएगा आपका। देखो मैं एक जीपी की जो फॉर्मेट है वो लिख देता हूं, ए कोमा ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3, यही तो चलेगी जीपी। अब इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई कितनी 16, इसकी वैल्यू कितनी है 24, और ये वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो ए की वैल्यू आपकी आर की वैल्यू तो यही है, तो ए की वैल्यू देखो ठीक है ना, मैं ये ए थ्री फाइंड आउट कर लेता हूं यहां पे, ए थ्री कितना है ए आर स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी देखो 24, यानी आपका जो 16 इंटू आर स्क्वायर 9 अपॉन में 4, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई 9 चौक 36, यानी ए थ्री की वैल्यू कितनी आ गई 36 वैल्यू आ गई। फिर मैं A4 की बात करूं तो A4 यहां पे देख लीजिए, तो A4 की वैल्यू कितनी A इंटू आर क्यूब, तो A की वैल्यू कितनी है 16, R की वैल्यू कितनी है 3 का क्यूब कितना, ये लिख देता हूं 3 अपॉन 2 का क्यूब, तो 16 इंटू 27 अपॉन में कितना 8, ये इससे कैंसिल आउट होगा 2, और तो A4 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 54। ये आपकी जीपी वाली सीक्वेंस आ जाएगी, ठीक है ना, जीपी आ जाएगी आपकी, ऐसे अपन फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन क्या है सबसे पहले उसको देखते हैं, क्वेश्चन की थीम समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की थीम को देखो कि फोर्थ टर्म एंड सेवन टर्म ऑफ जीपी आर 1/18, यानी A4 आपको गिवन है 1/18, और उसके बाद में सेवंथ टर्म यानी A7 वो कितना है -1/486, आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द जीपी, सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट आप कर सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो इसको मैं रब कर देता हूं एक बार, जीपी के अंदर सबसे पहले आपको क्या गिवन है A4 गिवन है, और A4 को मैं क्या लिख सकता हूं A इंटू आर क्यूब लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं A इंटू आर क्यूब लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या लिख दूं A इंटू आर क्यूब, यानी एक बार लिख देता हूं, देखो इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं A इंटू आर की पावर 3 इक्वल टू 1/18, कौन सी इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं A इंटू आर की पावर 6 इक्वल टू -1/486 लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो A इंटू आर की पावर 6 अपॉन में A इंटू आर क्यूब इक्वल टू -1/486 अपॉन 1/18, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट, इसकी पावर कैंसिल आउट, तो 6 पावर है यहां पे 3 है, कैंसिल आउट होगी तो आर क्यूब भी तो होगा, और ये वाली वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इसको लिख सकते हैं अपन कितना -1/486 और ये ऊपर 18 आ जाएगा। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी वो देख लीजिए, 9 से कैंसिल आउट करता हूं, 9 दूनी 18 और ये कितना 9 से करेंगे तो
45, 5 और ये आ जाएगा आपका 4, फिर 2 से करूं तो ये 2 से कर दो 27, तो आर क्यूब की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आ गई -1/27। इसी को मैं क्या ले सकता हूं, आर क्यूब इक्वल टू -1/3 क्यूब ये ले सकते हो। अब इसकी वैल्यू देखो, माइनस का क्यूब कर दो तो माइनस ही आएगा, वन का क्यूब कितना आएगा, वन आएगा, थ्री का क्यूब करेंगे तो 27, दोनों की पावर सेम है तो बेस इक्वल आ जाएंगे, तो आर यानी जो कॉमन रेशियो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, आर इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अब मैं ए फाइंड आउट करता हूं, अब इसकी वैल्यू यहां पे किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर देता हूं, देखो आर क्यूब की वैल्यू ये है, इस आर क्यूब को यानी आर क्यूब की मैं यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो आर क्यूब इक्वल टू -1/27 पुट कर रहे हैं अपन, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो फर्स्ट आपकी ए इंटू -1/27 इक्वल टू 1/18, तो ए की वैल्यू कितनी, ये माइनस तो इधर आ जाएगा और ये 27/18 आ जाएगा, इसको मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी इतनी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब अपन जानते हैं कि आपको जीपी निकालनी है, तो जीपी के लिए A1, A2, A3 और A4 ये चार टर्म निकाल लो, काम हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू ही A है आपकी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2। फिर मैं A2 की वैल्यू निकालूं तो A इंटू आर, ए की वैल्यू कितनी है, -2। आर की वैल्यू कितनी है, -1/3, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो 2/3 आ जाएगा। फिर मैं A3 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो A इंटू आर स्क्वायर, तो A की वैल्यू कितनी है, -2 और -1/3 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी ये तो -2 इंटू माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, 1 का करोगे तो 1, 3 का करोगे तो 9, तो ये आ जाएगा -2/9, ये वैल्यू आ जाएगी। A4 आपको गिवन है कितना, 1/18, तो जो सीक्वेंस यानी जो जीपी वाली जो मिल रही आपको जीपी वो कितनी मिल गई, -2, 2/3 कॉमा -2/9 कॉमा 1/18, ये आपको जीपी मिल जाएगी। ऐसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है, देखिए सबसे पहले, इफ द फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 2 and 8, यानी आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, एक तो A1 कितना 2 एंड थर्ड टर्म A3 कितना 8, फाइंड इट द सेकेंड टर्म, क्या निकालना है आपको, सेकेंड टर्म निकालनी है, ठीक है। तो देखो, जब किसी जीपी के अंदर कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, या फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, कॉमन रेशियो होना चाहिए, दो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद पूरी जीपी की कोई सी भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जीपी आपको देखो, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये A1 है, और A क्या आपका, A1 को लिख सकता हूं मैं A1 इक्वल टू A, और इस A की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। A3 को क्या लिख सकता हूं मैं, A इंटू आर स्क्वायर, और इसी की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, 8 है। अब यहां से मैं इस A की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो 2 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 8 ही होगा, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 4, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। यदि मैं यहां से आर की वैल्यू निकालूं तो प्लस माइनस 2 होगी, यानी आर की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 2 होगी। अब केस बनते हैं, केस फर्स्ट में आपकी ए की वैल्यू तो 2 हो गई और आर की वैल्यू 2 हो गई, तब आपको सेकेंड टर्म क्या मिलेगी, ए 2 क्या मिलेगा, ए इंटू आर, इस ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2, वैल्यू कितनी आ गई, 4 हो गई। अब यदि मैं बात करूं केस सेकंड की, तो केस सेकंड के अंदर ए की वैल्यू तो 2 ही है, आर की वैल्यू -2 पुट कर दो तो ए 2 कितना आएगा आपका, वही फॉर्मूला पूरा, तो ए की वैल्यू आपकी 2 और आर की वैल्यू कितनी है, -2, तो वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है, दोनों केस के अंदर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करें, पूरी हिंट आपको गिवन
फिर भी मैं आपके पास इसको सोल्व करता हूं। देखो क्वेश्चन आपको पूरा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो आपको फाइंड आउट करना है कि द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म, क्या फाइंड आउट करना है, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म यानी ए थ्री और ए एट, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड एट टर्म ऑफ जीपी इज द 243, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन आपको निकालना नहीं है। और जो फोर्थ टर्म है ना ए फोर इज थ्री है, और क्या निकालना है, ए सेवन निकालनी है, ठीक है, ये आपको निकालना है। देखो क्वेश्चन की थीम समझ गए होंगे। सबसे पहले यहां से मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करूं ए फोर को, तो ए फोर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू आर क्यूब इक्वल टू थ्री लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। फिर मैं यहां से इसको फाइंड आउट करूं तो ए थ्री इंटू ए एट इक्वल टू 243। ए थ्री को क्या लिखें, ए इंटू आर स्क्वायर इंटू, इसको क्या लिखें, ए इंटू आर की पावर 7 इक्वल टू 243, ये वैल्यू। इसी को मैं सोल्व करें तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से ये तो ए स्क्वायर हो गया, फिर वैल्यू में और निकालूं तो कितना आएगा, आर की पावर 7 इक्वल टू 243, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ये तो गिवन था आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इस सारे की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसको वन वेरिएबल के अंदर अपन कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, वन वेरिएबल के अंदर। क्वेश्चन की हिंट आपको गिवन, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पे टू वेरिएबल आ गए, यदि वन वेरिएबल में इसमें कन्वर्ट करूं तो किस फॉर्मेट में वैल्यू निकाले, या तो आर ए की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, आर की तो हार्ड पड़ जाएगी आपकी, यदि मैं ए की वैल्यू यहां से निकाल के पुट करूं तो कितना आएगा, देखो ए इंटू थ्री अपॉन में आर क्यूब, इस वैल्यू को आप यहां पे पुट कीजिए तो थ्री अपॉन में आर क्यूब, थ्री अपॉन में आर क्यूब, और इस पूरे का कितना होल स्क्वायर इंटू आर की पावर 7 इक्वल टू 243, ये वैल्यू आ गई। आगे ये तो 9 हो गया, और इस आर की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई, और ये आर की पावर 7 इक्वल टू 243। तो आर की वैल्यू देखो, ये तो कैंसिल आउट इससे, तो आर इक्वल टू ये 9 अपॉन में 243 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो आर की वैल्यू देखो 9, ये कितना आएगा 9, तो ये तो 1 हो गया, 2 हो गया, 18 है ना 2, और फिर 2, और फिर कितना आ जाएगा, देखो 663 यानी 9, 9 6 63 9 7 63, ये आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसमें भी आर की वैल्यू यही है ना, यही है आपके, ठीक है, इससे आप इसी का यूज करके इसी को वहां पे पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब वैल्यू कितनी आएगी वो देख लीजिए, ठीक है, एक की वैल्यू निकालो तो इस एक की वैल्यू यहां पे आप पुट कर दीजिए, ठीक है, अब एक की वैल्यू आपकी ज्यादा बड़ी आ रही है क्या, ठीक है, ये आर क्यूब की वैल्यू आई है, आपको एट गिवन था, ठीक है, यहां पे मिस्टेक कर दी ना मैंने, ये आपका 9 आएगा ना, इन दोनों पावर को आप ऐड करोगे ना तो 9, और ये भी आपका 9 आएगा, और ये भी आपका 9 आएगा, इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और ये आर क्यूब की वैल्यू आ गई। यहां से मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी वैल्यू आ गई, 27 का क्यूब रूट कितना, 3 आ जाएगा। अब इससे देखो a इक्वल टू 3 अपॉन आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, 27 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन में 9। आपको निकालना क्या था, a 7 निकालना था, a 7 को क्या लिख सकता हूं, a इंटू आर की पावर 6 लिख सकते हैं, तो a 7 इक्वल टू a की वैल्यू, a कितना आपका 1 अपॉन में 9, और इसकी वैल्यू 3 की पावर 6, इसी को लिख सकता हूं 1 अपॉन 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3
इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ये ले सकते हैं। इन दोनों तीन से तो ये कैंसिल आउट और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 81, यानी A7 का आंसर कितना आ गया 81 आ जाएगा। ठीक है, आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11th बी का 5th क्वेश्चन, ठीक है आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको हिंट तो नहीं है। देखो, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 4th टर्म इज 54 एंड 7th टर्म 1458, ये गिवन है, तो इसको मैं रब करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपको A4 गिवन है और A7 गिवन है, दोनों की वैल्यू आपको गिवन है। फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 4 टर्म कितना है 154 है और 7 टर्म कितनी है 1458 है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन की थीम समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a इंटू आर क्यूब इक्वल टू 54, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या लिख सकता हूं, a इंटू आर की पावर 6 और 1458 इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से क्या कर दूं, मैं डिवाइड कर दूं, तो क्या मिलेगा, a इंटू आर की पावर 6 अपॉन में a इंटू आर क्यूब इक्वल टू 1458 अपॉन में 54। इस a से ये कैंसिल आउट, r की पावर 3 कैंसिल आउट करेंगे तो r की पावर ऊपर कितना 3 रह जाएगा। कटने वाला काम कर देते हैं, देखो यदि मैं 1478 को 54 से डिवाइड करूं तो 2 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 8 और ये 10। ठीक है, वापिस ये वैल्यू कितनी आएगी 7 और 3 8। अब वैल्यू देखो, 7 से हो जाएगा, 7 से हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 27 हो गई, तो r की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 3। कितनी वैल्यू आ गई r की, तो इन दोनों का मैं यूज करूंगा। ठीक है, अब आपकी जो इक्वेशन है वो है ए आर क्यूब इक्वल टू 54, जीपी फाइंड आउट करनी है, तो r तो आ गया, a और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a इंटू इसकी वैल्यू कितनी है इस पूरे की, यहां पे देखो कितनी है 27 इक्वल टू 154, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 हो गई। इसी को मैं लिख सकता हूं, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, जीपी फाइंड आउट करना है, तो जीपी के लिए आपकी जो टर्म है वो होनी चाहिए, तो यानी a1 की वैल्यू को लिख सकता हूं मैं a, a2 को क्या लिख सकते हैं ar लिख सकते हैं, a3 को क्या लिख सकते हैं ar क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर a4 को लिख सकते हैं a इंटू आर क्यूब, ये 3 2, a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 2 और r की वैल्यू कितनी है 3, फिर a इंटू आर 3 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं a इंटू a की वैल्यू आपकी 2 इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, इसको तो 2 ही लेंगे और ये वैल्यू 6 हो गई, ये 9 और 18 हो गई, और ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 54, तो जो जीपी आपको मिली है वो 2 6 18 और 54, ऐसे आपको ये जीपी मिल जाएगी। ठीक है, कर सकते हो मैं भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर अपन 7 के बारे में डिस्कस करते हैं, ऐसे नोट डाउन कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7th में देखिए, सेकंड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द 6, सेकंड टर्म यानी a 2 कितना 6 एंड फिफ्थ टर्म a, सेकंड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6 एंड फिफ्थ टर्म ऑफ इज अच्छा a 5, फिफ्थ टर्म क्या बोला हुआ है, इज द फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म की कितना टाइम्स है 9 टाइम है, यानी ये कंडीशन आपको गिवन है। फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कंसीडर दैट ईच टर्म ऑफ जीपी इज पॉजिटिव, यानी आपको वही वैल्यू लेनी है कि जो जीपी की पॉजिटिव वैल्यू हो। ठीक है, पॉजिटिव लेना आपको, तो देखो ध्यान से,
सबसे फर्स्ट कंडीशन आपको A2 गिवन है, कितना 6 गिवन है, उसी से मैं निकालता हूं। देखो इस कंडीशन को मैं लिख सकता हूं AR इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर। इसको क्या लिख सकता हूं, A5 इक्वल टू 9A3 लिख सकते हैं, A इंटू आर की पावर 4, और लिख सकते हैं 9 इंटू ए इंटू आर स्क्वायर। ए से कैंसिल आउट, ए से कैंसिल आउट, इस 2 से मैं कैंसिल आउट करूंगा आर की पावर 4 को, तो कितना आर स्क्वायर इक्वल टू 9, आर स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया। फिर मैं आर की वैल्यू निकालू तो प्लस माइनस 3 आएगी, प्लस माइनस 3 आएगी। अब अगले ने ये बोल दिया कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है जीपी के अंदर, तो जीपी के अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो इस आर की वैल्यू नेगेटिव ना लेके आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव आने के लिए मैं प्लस 3 लूंगा, तो जो आर की वैल्यू आएगी वो ए आर इक्वल टू 6 है, तो ए की वैल्यू देखो ए इंटू 3 इक्वल टू 6, तो ए की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 2। तो ये भी तो फर्स्ट टर्म है और पॉजिटिव आई है, इसीलिए मैंने प्लस लिया। अगले ने साफ कंडीशन बोल दी, तो देखो फर्स्ट टर्म या जीपी निकालनी तो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए टू ए आर, थर्ड टर्म ए इंटू आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए इंटू आर क्यूब, ए की वैल्यू 2, 2 इंटू आर की वैल्यू 3, ए इंटू 3 का स्क्वायर, ए इंटू ये 2 है, ठीक है ना, 2 है ना ये 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आर क्यूब, तो ये तो आ जाएगा 2, ये 6 और ये 18 और ये 54, ठीक है, पिछली की तरह हो जाएगा 2, 6, 18, 54, ऐसे ये चलती जाएगी। और भी A5 आप निकाल सकते हो, 4 टर्म काफी है जीपी निकालने के लिए। आंसर मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है आपका यही आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है कि 4 टर्म एंड 7 टर्म एंड लास्ट टर्म, 4th टर्म यानी 4th, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 4th यानी A4 कितना 10, फिर है 7th कितना 80, फिर AN लास्ट टर्म इसी को L से कह सकते हैं कितना 25 और 60 रेस्पेक्टली, फाइंड इज द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो नंबर ऑफ टर्म, ये सारी वैल्यू इसमें आपको निकालनी है। ठीक है, क्या क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन रेशियो निकालना है और नंबर ऑफ टर्म आपको निकालनी है। तो देखो सबसे फर्स्ट इसी से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू आर क्यूब इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। ए 7 को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू आर की पावर 6 इक्वल टू 80, तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या कर दो, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो वैल्यू आएगी ए आर की पावर 6 अपॉन में ए इंटू आर क्यूब इक्वल टू 80 अपॉन में, ये तो कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि 8 का क्यूब रूट कितना 2 होता है। इस आर की वैल्यू में यहां पे पुट कर दूं तो ए इंटू आर क्यूब ये लीजिए इक्वल टू कितना 10, इसी को लिख सकता हूं मैं ए इंटू 10 अपॉन में 8, कैंसिल आउट करोगे तो ये 4, ये 5 और ये 4, ए की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन में 4, तो ये दो वैल्यू तो आ गई। अब मुझे ए एन निकालना है, ए एन कौन देगा ये वाला, तो ए एन को क्या लिख सकता हूं मैं, पहले तो इसकी वैल्यू कितनी है ये वाली वैल्यू है, ए एन को लिख सकता हूं आर इंटू एन माइनस 1 और ये 26, 25, 6 ये है, ए की वैल्यू है 5 अपॉन में 4, आर की वैल्यू 2 की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 25, 60 ये वैल्यू है। इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो देखो क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 25, 60 अपॉन ये 5 तो अपॉन में और ये 4 इसके अपॉन में, ठीक है ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। कैंसिल आउट करते हैं इस 5 से, देखो कितना आया 5 आ जाएगा,
फिर कितना आया, 1 आ जाएगा और फिर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, बेस सेम कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, और 2 की पावर n माइनस 1 512 इंटू में 4। अब देखो 512 को मैं क्या लिख सकता हूं, 512 को मैं लिख सकता हूं ये तो 2 16। ठीक है, यही हो रहा ना, ये 2 और ये 10, 256 लिख सकते हैं। और इसी को लिख सकता हूं 1, 2 और 8, और इसी को लिख सकता हूं मैं 6, 4, और इसी को लिख सकता हूं मैं 32, इसी को लिख सकता हूं मैं 16, और इसी को लिख सकता हूं मैं 8, और 8 को लिख सकता हूं मैं 4, और 4 को लिख सकता हूं मैं 2, और 2 को लिख सकता हूं 1। तो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 की पावर 9, 2 की पावर n-1, 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 2। कितनी वैल्यू आ गई, 2 की पावर, पावर 8 हो जाएगी, 11 हो गई। और इधर कितना है, 2 की पावर n-1। देखो दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर की वैल्यू आ जाएगी n-1 = 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो a की वैल्यू 5/4, r की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 12। ये सारी वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन 9th, देखिए ध्यान से। इफ द 4th टर्म एंड 9th टर्म ऑफ जीपी आर द 54 एंड 13,122, यानी एक जीपी की आपको 4th टर्म गिवन है, कितना 54, एंड 9th टर्म कितनी है A9, वो कितना है, ये गिवन है आपको। ये निकालनी है कि फाइंड द जीपी आल्सो फाइंड इन द जनरल टर्म। ठीक है, जीपी निकालनी है, जनरल टर्म निकालना, जनरल टर्म यानी एन ही निकालना है, या फिर टीएन लिख सकते हो, एक ही बात है। देखो भाई क्वेश्चन की थीम समझ गए होंगे, सबसे फर्स्ट कंडीशन आपको ये गिवन है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, जीपी में है तो जीपी की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू आर की पावर 3 की वैल्यू आपको दे दिया इतना। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई, और इस वाली कंडीशन को क्या लिख सकता हूं, ए इंटू आर की पावर 9, या 9 है तो माइनस 1 कर दो तो कितना आएगा 8, ये हो जाएगा। अब मैं डिवाइड कर दूं 2 को फर्स्ट इक्वेशन से तो कितना आएगा, a इंटू आर की पावर 8, a इंटू आर की पावर 3, और ये हो जाएगा ये वैल्यू, समझ गए होंगे। अब देखो a से कैंसिल आउट, ये वैल्यू हो गई आपकी r की पावर कितनी, क्या लिख सकता हूं इसको, r की पावर 5। इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, डिवाइड कर दीजिए यहां पे 130, ये वैल्यू आ जाएगी 54, और 2 से करेंगे तो कितना, ये 8 और ये 10, ये 3 और ये 2 और ये 2। अब 5 से कर दें, 4 से कर देते हैं, तो 4 का 16 और ये 21। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू कर दें तो ये 4 और ये आपका 1 और ये 2 यहां से। ठीक है, अब 3 से हो जाएगा, 3 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर छोटा छोटा कर लो, ठीक रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, कर सकते हो आगे से। देखो कितने से काटे अपन, 5, 4, 9 से काटते, तो ये 6 हो गया, 9, 6, 54, और ये कितना हो जाएगा, 1, 9, 4, 41, 36, 41 हो जाएंगे ना, 4, 4 और 41, 36, और ये 4, फिर 5, 5 और 2, 52, 45, ये 45, ठीक है, और 3, 32, इससे भी नहीं, 9 से तो कट रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, फिर देखो ये आपका 9 हो जाएगा, 1,
फिर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 4, 36 और ये कितना आ जाएगा आपका 5, यहां से वैल्यू 2 और ये वैल्यू आपका 45 और फिर वैल्यू आ जाएगी 7, 7 का 2, 8, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 6 से कट रहा होगा, मे भी 6 से कट जाएगा, ठीक है। इसको 6 से काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखो 6 से काट देते हैं, कितना ये 2 और 2, 4, 6, 4, 24 और ये 3, कितनी वैल्यू आ गई 243 आ गया। तो r की पावर 5 यानी इसी को लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूं, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, r की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो जाएगी। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो a कौन देगा आपको यहां से, तो पुट कर देते, पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी में पुट करें, 1 में कर देते हैं। देखो a इंटू r, r की वैल्यू कितनी है 3, 3 का क्यूब इक्वल टू कितना 54, तो a इक्वल टू 54 अपॉन, ये वैल्यू इधर आएगी तो 27 मल्टीप्लाई यानी क्यूब 27 और इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो r की वैल्यू 3 और a की वैल्यू, ये सारी अपन 3 पहले आ चुकी है जीपी ऐसी, तो इनकी मैं जीपी डायरेक्ट फाइंड आउट कर देता हूं, कितना आएगा फर्स्ट टर्म आपकी ये है तो 2, 6, 18, 54 ये तो आ रहा है, ठीक है ना, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आ रही ना 3, 3, 3, ठीक है, ये आ जाएगी। अब आपको ए एन निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ए की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू कितनी है 2 की पावर एन माइनस 3, कितनी है 3, ये वैल्यू लीजिए, ये आपकी nth टर्म आ जाएगी, जनरल टर्म आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन क्या है वो देखिए, सबसे पहले गिवन आपको कि द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म यानी ए 5 एंड ए 8 टर्म, ए 8 11 टर्म, ए 11, इनकी वैल्यू गिवन आपको पी क्यू आर, ये वैल्यू गिवन है और प्रूफ करना है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, ये प्रूफ करना है, ठीक है, 11 है ये आपका, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन की थीम समझ गए होंगे आप। सबसे पहले आपको जो वैल्यू गिवन है उसी को जीपी के फॉर्मेट में लाते हैं, इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, ए आर की पावर 4 इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या लिख सकता हूं ए इंटू आर की पावर 7 क्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको क्या लिख सकता हूं ए इंटू आर की पावर 10 इक्वल टू आर, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लू मतलब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है पी आर है, यानी पी आर का मीनिंग पी, पी की वैल्यू कितनी है ये ए इंटू आर की पावर 4, आर की वैल्यू कितनी है ए इंटू आर की पावर 10, ये तो वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इसी को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इंटू आर की पावर, इन दोनों को एड कर दो कितना 14, और 14 इन दोनों कंबाइन करके लिखो तो ऐसे लिख सकता हूं ना, कितना देखो r की पावर 7 की पावर 2, जब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई, तो a इंटू आर की पावर 7, इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, तो पी आर इक्वल टू, देखो इस पूरे की वैल्यू है कितनी, ये रही कितनी है q, और इस पे कौन है स्क्वायर, ये तो प्रूफ करना था आपको, ठीक है। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 10 को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, देख लेना आप, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स डालिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11 से अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।